और अब बात उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की, जिसका सियासी एजेंडा पूरी तरह से सेट होता दिख रहा है। एक तरफ बीजेपी है, जिसके सामने लोकसभा चुनाव में छिनी सीटों की कमी पूरी करने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, जो अपने पीडीए के फॉर्मूले से मिली जीत को फिर से दोहराने की कोशिश में है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में दोनों ही दल अपने अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए एकजुटता का दावा कर रहे हैं, जिससे वहां एक नई पोस्टर वॉर शुरू हो गई है। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। नया पोस्टर लगाया गया है और इस पर लिखा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। पीडीए जुड़ गया है, जनता जुड़ गई है, इसलिए ना जनता बटने जा रही, ना कटने जा रही। सीएम योगी का हरियाणा चुनाव में दिया गया बटेंगे तो कटेंगे का बयान चुनावी मंत्र बन गया और यूपी चुनाव में भी ये बयान सुर्खियों में है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी भी इसी बयान की काट के तौर पर नए नए पोस्टर्स के जरिए अपने वोट बैंक की एकजुटता का दावा कर रही है। कुछ दिन पहले एसपी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाकर ये दावा किया गया कि ना बटेंगे ना कटेंगे, और अब एक बार फिर दिवाली के मौके पर अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ लगाए गए पोस्टर में लिखा गया है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि वो किसी भी तरह अपने पीडीए के वोट बैंक को बनाए रखे, क्योंकि इसी से उसे लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत मिली थी। लिहाजा एक के बाद एक इस तरह के पोस्टर लगाकर वो अपने वोट बैंक को बनाए रखने की कवायद में जुटी है, और जीत के फॉर्मूले के तौर पर इस बार जो पोस्टर लगाया गया है उसमें दावा किया गया है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। नया पोस्टर लगाया गया है और इस पर लिखा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाया जा रहा है, जिसमें पीडीए का जिक्र किया जा रहा है, और सीएम योगी आदित्यनाथ के कटेंगे तो बटेंगे बयान के बाद से ही लगातार अब राजनीति तेज हो चुकी है। और इसी कड़ी में अलग अलग पोस्टर सपा के नेताओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं। कभी किसी पोस्टर में लगातार ये कहा जा रहा है कि पीडीए एकजुट रहेगा और ना बटेंगे ना कटेंगे। हरियाणा चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के बयान का असर दिखा। वहां जीत मिली तो इसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी आजमाया जा रहा है। मुंबई की सड़कों पर सीएम योगी के बयान के पोस्टर लगा दिए गए, जिसका असर यूपी की सियासत में भी नजर आ रहा है। पीडीए जुड़ गया है, जनता जुड़ गई है, इसलिए न जनता बटने जा रही न कटने जा रही, जनता जुड़ने जा रही और मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को बाई इलेक्शन में हराने जा रही है। दूसरे राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां हराने जा रही है, तो आज जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। चुनाव के लिए यूपी में शुरू हुए पोस्टर वॉर के जरिए समाजवादी पार्टी हमलावर हुई, तो बीजेपी ने भी सियासी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। जो हमेशा बांटने का प्रयास करते रहे हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी बोली के नाम पर, अलग अलग प्रकार से बांटने की राजनीति करने वाले लोग आज जोड़ने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बटोगे तो कटोगे नारा क्या दिया कि सब अब जोड़ने पर उतारू हो गए हैं। जब जब भी पावर में रहे हैं, हमेशा गुंडे बदमाश माफिया पुष्पित और पल्लवित हुए हैं। प्रदेश की जनता इनकी कलई को अच्छी तरह जानती है। उपचुनाव से पहले यूपी में शुरू हुई इस नई पोस्टर वॉर के जरिए समाजवादी पार्टी जीत के फॉर्मूले के तौर पर एकजुटता का दावा कर रही है। न बटेंगे न कटेंगे और जुड़ेंगे तो जीतेंगे के पोस्टर लगा रही है। सीएम योगी के बयान का जवाब दिया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि इन पोस्टर्स में किए गए दावों का कितना फायदा समाजवादी पार्टी को चुनाव में मिल पाता है। विशाल रघुवंशी, लखनऊ, जी मीडिया।